आज का हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट होने वाला है राष्ट्रपति की शक्तियाँ और राष्ट्रपति की शक्तियों में यानी पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट की शक्तियों में विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ, इन सब पे बात करने वाले हैं। न्यायिक शक्तियों को हम विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि एक सजा प्राप्त व्यक्ति को आखिर में क्षमा दान कौन दे सकता है, उसकी जो सजा है उसका रूप कौन चेंज कर सकता है, ये पावर राष्ट्रपति के पास किस प्रकार से है और कितनी है। तो सबसे पहले हम बात करें कि राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति है वो है कानून से संबंधित शक्ति, और भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनाया, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो कार्यपालिका है वो दो प्रकार की होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका यानी संवैधानिक कार्यपालिका, एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। राष्ट्रपति संवैधानिक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो कोई भी कानून, कोई भी विधेयक कानून का रूप तब तक नहीं लेता जब तक उस पर राष्ट्रपति के साइन हस्ताक्षर नहीं हो जाते। तो ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। संसद कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है भारत में, यानी केंद्र में पूरे देश के लिए कानून बनाने वाली संस्था को कहते हैं संसद, या कहें कि संघीय विधायिका का नाम है संसद। तो संसद द्वारा बनाया हुआ कोई भी कानून या विधेयक है वो तब तक कानून का रूप नहीं लेता जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते। तो ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। कार्यपालिका शक्तियों में महत्वपूर्ण जितने भी पद हैं उन पर नियुक्ति के का जो कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के तहत आपातकालीन शक्तियां दी गई। अनुच्छेद 352 का प्रयोग जब देश पर किसी बाहरी शक्ति का आक्रमण हो जाए या कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए तब अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य इकाई में भारत में 28 राज्य हैं तो वहाँ राष्ट्रपति शासन कब लगाया जा सकता है अनुच्छेद 356 के तहत, और उसमें ये कन्फर्म हो जाए राष्ट्रपति को कि वहाँ संविधान के अनुसार सरकार नहीं चलाई जा सकती है, तो वहाँ पे अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 360 जो है इसका प्रयोग किया जाता है वित्त आपातकाल उत्पन्न हो जाए, वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए देश में, तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा सकता है। भारत में अब तक 360 जो है अनुच्छेद 360 है इसका एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है। अनुच्छेद 352 का आगे बात करेंगे कि कब कब प्रयोग हुआ। अनुच्छेद 356 का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, 100+ बार इसका प्रयोग किया जा चुका है, क्योंकि जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकार हो तो इस अनुच्छेद का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। आज हम विस्तृत रूप से देखेंगे न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति कौन सी है और किस अनुच्छेद के तहत है। फिर हम अनुच्छेद 72 के तहत जो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है जो विशेष है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो किसी अपराधी को या अपराध प्राप्त व्यक्ति को, सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति है, उस पर बात हम करेंगे। तो न्यायिक शक्तियाँ राष्ट्रपति के निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम देखें अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 43 संविधान का अनुच्छेद 43 कहता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, कब, जब कोई संवैधानिक मामला, कोई कानूनी सलाह लेनी हो या कोई डिप्लोमेटिक मुद्दा हो तो सर्वोच्च न्यायालय, किससे सलाह लेंगे राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय से। हमारा न्यायिक जो सिस्टम है वो इस प्रकार से है, ये अधीनस्थ न्यायालय, ये उच्च न्यायालय हाई कोर्ट और ये है सुप्रीम कोर्ट, एकीकृत न्याय प्रणाली है भारत की। तो जो राष्ट्रपति हैं वो किससे सलाह लेंगे, सुप्रीम कोर्ट से लेंगे। किसी व्यक्ति को सजा सत्र न्यायालय में या अधीनस्थ न्यायालय में सुनाई हो तो वो हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकता है, यहाँ भी उसकी सजा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो तो वो सुप्रीम कोर्ट, जो कि भारत की अंतिम अदालत है, सुप्रीम अदालत है, वहाँ जा सकता है, वहाँ अपनी अपील कर सकता है। यहाँ भी अगर उसकी सजा को बरकरार रख दिया जाता है
तो राष्ट्रपति यहाँ क्षमादान का प्रयोग कर सकते हैं, अपनी पावर का प्रयोग कर सकते हैं। अभी हमने बात की 143 के तहत, जो कि कोई संवैधानिक मामला उत्पन्न हो जाए, कानूनी मामला उत्पन्न हो जाए, राजनयिक जो कि डिप्लोमेटिक हो, तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, ऐसी संविधान में प्रावधान है। अनुच्छेद 72 की बात हमने कर ली कि किसी भी न्यायालय द्वारा आदेशित जो सजा हो उसको कम करने, उसमें राहत देने, उसकी अवधि को कम करने यानी उसके समय को घटा देने, जैसे किसी को 20 साल की सजा मिली हो या आजीवन सजा मिली हो तो उसकी सजा को कम कर देना, जैसे 20 साल की कर दी हो, 10 साल की कर दी हो, तो उसको कहते हैं अवधि को कम कर देना। फिर है अनुच्छेद 124 जो कि सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 217 जो कि हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट को कहते हैं उच्च न्यायालय हिंदी में। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। उपयुक्त शक्तियों को राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की, जिसकी बात हमने की अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 217, इनको न्यायिक शक्तियां क्यों कहते हैं? क्योंकि हाँ, एक मिनट, अनुच्छेद 143 जिसमें सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति, किन मामलों में? जब कोई संवैधानिक मुद्दा हो, कोई कानूनी मुद्दा हो, कोई राजनयिक दूसरे देश से संबंधित मुद्दा हो, तो अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 72, ये सभी जो मामले हैं या ये इन अनुच्छेदों से संबंधित जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो सभी न्यायिक शक्तियां कहलाती हैं, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों और अन्य जो भी अदालत हैं, अधीनस्थ अदालत, उच्च न्यायालय, इनकी प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनको कहते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। संविधान का अनुच्छेद 72 को हमने कहा था कि ऊपर विस्तार से देखेंगे हम, तो अनुच्छेद 72 को विस्तार से देखने वाले हैं कि राष्ट्रपति किसी भी अपराध प्राप्त व्यक्ति को या दोषी ठहरा दिए गए व्यक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं, उसमें राहत दे सकते हैं, उसमें छूट दे सकते हैं, उसे निलंबित कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को क्षमादान, सस्पेंस यानी विराम सजा में छूट देने, निलंबित करने, परिहार और लघुकरण करने की शक्ति है। भारत में मृत्यु दंड दे कौन सकता है? सर्वोच्च न्यायालय ने दिया हो, उच्च न्यायालय ने दिया हो, या अधीनस्थ या सत्र न्यायालय ने दिया हो। तो हमने देखा था कि न्यायपालिका का स्ट्रक्चर है वो हमारा एकीकृत न्याय प्रणाली का है, अधीनस्थ न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और फिर सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले सत्र न्यायालय में व्यक्ति की सजा की सुनवाई हो और यहाँ उसे कोई राहत नहीं दे, यहाँ उसे फांसी की सजा दी गई हो कोई राहत नहीं, तो वो हाई कोर्ट में अपनी अपील कर सकता है, हाई कोर्ट ने भी उसकी सजा को बरकरार रख दिया हो तो वो सुप्रीम कोर्ट, सबसे उच्च अदालत और अंतिम अदालत में अपनी अपील कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में भी कोई अपील नहीं हुई हो और उसी उसकी जो सजा है उसको बरकरार रख दिया हो, तो अब एकमात्र विकल्प है वो है राष्ट्रपति की पावर। तो भारत में फांसी की सजा को कौन माफ कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति की मृत्यु दंड की सजा दी हो, किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा दी हुई हो या फांसी की सजा दी हो, तो निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा हो, फिर सजा में सिर्फ राष्ट्रपति ही परिवर्तन कर सकते हैं। राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग क्या मनमर्जी से कर सकते हैं? ये भी प्रश्न उठता है। तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की परामर्श से ही ऐसा कर सकते हैं। राष्ट्रपति को अपनी शक्ति के प्रयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्देश हो वो मानना जरूरी नहीं है, उसके निर्देशों की पालना जरूरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति ने अगर इसमें निर्णय दे दिया हो, फांसी की सजा को माफ़ कर दिया हो, फांसी की सजा को की अवधि जो सजा है उसको कम कर दिया हो,
या माफ कर दिया हो, किसी भी प्रकार से उसकी में परिवर्तन कर दिया हो, तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? न्यायिक समीक्षा यानी न्यायिक पुनरावलोकन। ये न्यायपालिका की शक्ति है, ये बहुत बड़ी शक्ति है न्यायपालिका की। इस शक्ति द्वारा न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए हुए कानून और कार्यपालिका द्वारा किए हुए कार्यों की समीक्षा कर सकती है और उन्हें अवैध घोषित कर सकती है। ये कहलाती है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, ये महत्वपूर्ण कंटेंट आपके लिए नॉलेजेबल के साथ साथ मुझे उम्मीद है कि रामबाण साबित होने वाले हैं, क्योंकि हर प्रकार के कंपटीशन में राष्ट्रपति की और राष्ट्रपति की पावर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। तो मिलते हैं इस प्रकार के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। इस प्रकार के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और भी बहुत से डाले हुए हैं, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं, बिगनर्स हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।